हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो पिछले क्लास में हमने आपको ये टेस्ट दिया था, आपको कि इस कंडीशन से ये टेस्ट आपको यूज करने थे और आप लोगों ने किए भी होंगे। तो प्लीज अपने अपने टेस्ट और मेरे सॉल्यूशंस को मैच कर लें और फिर देखें कि आपने सही किया था या गलत। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। इसमें क्या है, इसमें है कि मुझे कमीशन कैलकुलेट करना है अगर क्वांटिटी ग्रेटर देन 60 है। तो यहाँ हम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, सेलेक्ट करेंगे बी टू, बी टू इज ग्रेटर देन 60, देन क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई बाय 40 कर देंगे और अदरवाइज जीरो कर देंगे, क्योंकि फॉल्स फॉल्स दिखेगा अगर हम जीरो नहीं करते हैं तो। और एंटर प्रेस कीजिए, नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन और भी है, विदाउट यूजिंग द इफ, मतलब हम इफ के बगैर क्या इसको कर सकते हैं? अब कॉस कर सकते हैं, हम इसको लेंगे ग्रेटर देन 60, रिजल्ट आएगा ट्रू फॉल्स। एक्सेल में ट्रू होता है 1 एंड फॉल्स होता है 0। तो हम इसको ब्रैकेट में रखते हैं और रखने के बाद हम मल्टीप्लाई बाय इसका क्वांटिटी कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, फॉल्स वाला 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आएगा और जो नंबर्स है वो नंबर दिख जाएंगे। अब जो नंबर दिख गए उसी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 60 कर दीजिए, सॉरी 40, और एंटर प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। तो दोनों तरीके से इसको की जा सकती है। फिर दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं। अब यहां पे मुझे रिजल्ट देना है पास और फेल का। एक बार इस फाइल को हम सेवेज कर लेते हैं, वरना आपका दिक्कत हो जाएगी। हाँ, सोल्यूशन के नाम से है। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि अगर 40 इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40 देन रिजल्ट पेस पास अदरवाइज फेल। तो यहां हम देते हैं फॉर्मूला इफ का और बोलते हैं ए अगर ग्रेटर देन 40 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास अदरवाइज फेल, और प्रेस एंटर और इसको नीचे की तरफ भी हम ड्रैग कर दें। फिर आते हैं यहां पे, अगर डिस्टेंस अगर 200 से ज्यादा है तो स्टडी अदरवाइज लोकल। तो यहां देते हैं इफ, इसको सिलेक्ट किया और बोला ग्रेटर देन 200, ग्रेटर देन इक्वल टू 200, तो एस टी डी अदरवाइज लोकल, और नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर देते। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन आता है टैक्स। अगर 500 से ऊपर एमआरपी है तो 12% का टैक्स है, अदरवाइज 5% का है। तो यहां हम करते हैं इफ, हम इसको सिलेक्ट करते हैं इज ग्रेटर देन 500, तो इसका 12% अदरवाइज इसका 5%, और नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। अब यहां पे ड्यूटी हमारा, अब प्रॉब्लम यह है कि टाइम, देखिए टाइम को कभी भी इफ कंडीशन के अंदर नहीं डालिए, अगर डालना भी पड़े तो टाइम फॉर्मूला के साथ डालिए कि यहाँ पे कि 22,0,0, अदरवाइज किसी सेल पे लिख के उसको सिलेक्ट कर लीजिए तो ओटी आ जाए, अदरवाइज एनटी आ जाए। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि 24 आवर का ये रात ये सुबह के है तो कैसे होगा वो सब, हम ये रात के जो चीजें है उसको छोड़ दीजिए, रात 10 बजे के हमने देख लिया हुआ है।
इस पे और उसको और अलग तरीके से बनाया जाएगा जो कि हम आगे आपको सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे विद एंड वाला हम पहले करते हैं कि सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट फाइव तक 33 हो तो पास अदरवाइज फेल। एंड यूज करना है विदाउट यूज, तो पहले एंड यूज कर लीजिए कि एंड हमने सिलेक्ट किया सब्जेक्ट वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, सॉरी 33। फिर वापस हमने दूसरे को सिलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 33। फिर वापस हम तीसरे को सिलेक्ट किए ग्रेटर देन इक्वल टू 33। लाइक काउंट इफ यूज हो सकता था, लेकिन मैंने क्लास से बताया था आपको कि काउंट इफ यूज तब होगा जब सब में सेम है, अगर कहीं अलग अलग हुआ तो काउंट इफ यूज नहीं ना होगा। कोई 50 नंबर का है, कोई 100 नंबर का है, कोई 200-150 नंबर का पेपर है तो वहां पे प्रॉब्लम होगी। रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आया। अब मैं वापस इफ का फॉर्मूला इस पे लगाते हैं कि इफ अगर यह है तो पास अदरवाइज फेल, एंटर प्रेस करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। फिर यहाँ पे विथ रिजल्ट विथ नेस्टेड इफ, तो नेस्टेड इफ भी लगाएंगे यहाँ पे हम कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, अगेन इफ लगाएंगे कि सब्जेक्ट टू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है। फिर वापस इसको सेलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, फिर वापस इफ हम इसको सेलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, फिर इफ वापस इसको सेलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है। ऐसा है तो पास अदरवाइज फेल, और फेल मुझे हर इफ के लिए करना पड़ेगा। फेल ये इनवर्टेड कॉमा में, रिजल्ट आ गया। सातवें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं तो इसमें है ग्रेडिंग सिस्टम। तो यहां हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे कि अगर लेस देन इक्वल टू 40 है, इस पे हम इफ्स भी लगा सकते हैं। चलिए इसको इफ से करते हैं। हमने इसको लिया बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो यहां पे सी होगा, अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो ए बी ग्रेड होगा। फिर इसको सेलेक्ट किया बोला लेस देन इक्वल टू अगर 90 है तो ए ग्रेड होगा, और फिर अगर ए ग्रेटर देन 90 है तो ए प्लस, बैक क्लोज करके एंटर प्रेस कर नीचे तक ड्रैग कीजिए, सारा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, इंसेंटिव देना है इसमें। तो यहाँ इफ हमने बोला अगर ए लेस देन 5 है तो 0 होना चाहिए, फिर इफ अगर लेस देन इक्वल टू 40 है तो 500, इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 60 है तो ए 1000, नहीं 60 नहीं 80 है, माफ कीजिए 80 है तो 1000, देन इफ अगर लेस देन इक्वल टू 100 है तो ए 2000, अगेन इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 100, इस इफ से भी किया जा सकता था तो यहाँ पे 5000। सिंपल सा गेस कर दीजिए, नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, रिजल्ट आएगा। एड ऑन इंसेंटिव है तो इसमें तक इफ के साथ एन लगा देंगे, कौन सा बड़ी बात है कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 85 और फिर वापस सेलेक्ट किया लेस देन इक्वल टू 95 ऐसा हो तो 800 अदरवाइज 0, एंटरप्राइज कर दीजिए, यस कर दीजिए, नीचे की तरफ रिजल्ट आपका आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो यहाँ जो है एंड और लगेगा, ए एन डी एंड। एंड में हमने पेन नंबर को ले लिया, इक्वल टू वाई, फिर यहां पे हम और ले लिए और में दे दीजिए, दैट इज इक्वल टू वाई कॉमा, दैट इज इक्वल टू वाई कॉमा, दैट इज इक्वल टू वाई। और फिर यहां हम इफ फ्रेज करके यहां पे इफ, और हमने यहां पे कॉमा, ओके, अदरवाइज पेन। रिजल्ट आ गया। 10वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया हुआ है इनकम टैक्स और एक कैलकुलेशंस पे, और फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, ये आपको समझना था, तो समझने में आपको हम हेल्प नहीं कर सकते, आपको समझना। बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। थैंक यू।